बारिश हो रही है। जहरान कहाँ पे हो? कहाँ से जा रहे? गहरान जी, हमें यहाँ पे आए हुए अभी थोड़ी देर हो गई है और जहरान तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, इट्स लाइक इज लविंग इट। और एक्चुअली हम रैंडम प्लान से निकले थे, हमने बहरिया टाउन आना भी नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे आ गए हैं और मास्क है नहीं है जो हम अंदर जाएँ, अंदर जाना अलाउड नहीं है मास्क के बगैर। तो एनी वे आई थिंक जो रैंडम प्लान होते हैं ना, ये बेस्ट होते हैं, जिसका कोई भी सिर पैर नहीं होता और आप इसमें सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हो। तो ये सीन है अभी और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, थीम एडवेंचर लैंड है। बारिश हो रही है। हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, अब तेज बारिश तो नहीं हो रही।
हमारा प्लान इतना रैंडम था कि हम जहरान का स्कूटर भी नहीं लाए, क्योंकि हमारा इरादा था ही नहीं इस तरफ आने का। बट काफ़ी मज़ा आ रहा है। हाँ जी आ जाए, आप फोटो करें, मजे करें। अच्छा जी, तो अब जा रहे हैं हम लोग घर वापस। हमने जो खाया पिया था वो भी सारा, उसका सारा जो वेस्टेज है वो साथ लेके जा रहे हैं। और ज़हरान खूब खेला है और बहुत ज़्यादा थक गया। ये पीछे रखो, यार आज बहुत अच्छा मौसम था कराची में और बहुत मज़ा आया। हम वेरी टाउन आए हुए थे और बड़ा अच्छा ये ट्रिप रहा हमारा। ट्रैफिक अच्छा था क्योंकि वर्किंग डे है, और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी अगर आपने कहीं जाना है प्लान बनाना तो वर्किंग डे में बनाए। वर्किंग डे में आपको एडवांटेज ये होता है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता कराची का, जो एक मास्क भी घर में भूल इसलिए गए थे, शायद गाड़ी में पड़े होंगे, लेकिन हमने कहीं बाहर निकलना ही नहीं था, वो बस हम इस तरह से बस आ गए। और बहुत मजा आया, बहुत इंजॉय किया, सबसे ज्यादा मजा तो खाने का आया। एक चीज और बता दें कि बहरिया का जो एडवेंचर पार्क है वो खुल चुका है, ठीक है, लेकिन मास्क जो है वो लाजमी है उसमें, और विदाउट मास्क जो है आपकी एंट्री नहीं है। हाँ, क्योंकि आज हमारी भी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही, और उसके प्राइस जो है वो टिकट 2000 है और बच्चों के जो है वो 1500 है। 2000 आपने बेटा कुछ नहीं खाया, मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, लेकिन हमने शायद आप लोगों को मेरी आवाज भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि हवा जो ना वो सीन होता है ना सॉन्ग्स में और मूवीज में, ये बोला हाथ में। सो और दूसरी बात है कि जब भी मैं इधर बहरिया टाउन आती हूँ मुझे जद्दा याद आ जाता है, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है, और वहाँ पे भी इसी तरह से आप पार्क में या फिर यू नो इस तरह आप बैठ के खाना खाते हो, एंजॉय करते हो। मेरा बचपन भी ऐसे ही गुजरा हुआ है। वहाँ पे घर जाके हमने खाना खाना है, सॉरी खाना, मैं तो चिकन निकाल के आई हुई हूँ। हाँ जी, ओ खराब नहीं हो गया होगा? नहीं खराब नहीं होगा, पानी में रखा था। मैं चिकन निकाल के आई थी कि ऐसे बस अब आधे घंटे में तो वापस आ रहे हैं, तो मतलब ठीक है हो जाएगा, लेकिन अब वो आई होप खराब नहीं हुआ हो। तो लाइट बिल्कुल चली गई है, क्योंकि यहाँ पे हम गेट से अब बाहर जा रहे हैं। हाँ जी, तो इस ब्लॉग की मैंने स्टार्टिंग तो आई थिंक बहुत अच्छी नहीं की, लेकिन एंडिंग में यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको बहरिया टाउन देखने को मिलेगा इसके बाद। लेकिन फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योरसेल्फ, खुश रहे, घर रहे और मज़े करे। अल्लाह हाफिज़, आई सी यू नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह।